हम लोग ये कहते हैं ना कि हालात हमारे काबू में नहीं, परेशानी होती है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, कोई नौकरी की तरफ से परेशान है, किसी को बॉस ने डांट दिया वो परेशान है, किसी का झगड़ा किसी से हो गया वो परेशान हो जाता है, किसी का घर में झगड़ा हो गया वो परेशान हो जाता है। बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा है कि इंसान बहुत सख्त डिप्रेशन में आता है, मतलब वो माइंड जो है ना वो एक फिल्म चलाना शुरू कर देता है। फिल्म किस तरह चलाता है? अब जनाब मैं एक मिसाल देता हूँ कि शायद को किसी ने आके कहा कि जी रहीम शाह तो तुम्हारे ख़िलाफ़, और रहीम शाह शायद इंटर हुआ, रहीम शाह ने दो बातें ऐसी कर दी मजाक में, पेश शायद का दिमाग फौरन जाएगा उस बंदे की बात की तरफ, चाहे ये जानता भी है कि नहीं रहीम शाह ऐसा नहीं करेगा, फिर भी इसका दिमाग उधर जाएगा। उसके बाद दो तीन ऐसी बातें होंगी तो वो जो पहले कुछ भी नहीं था, घर की यही कंडीशन, दोस्तों की है, फैमिली की है, बॉसेस की यही कंडीशन, कोई आपको तकलीफ है फिजिकल उसकी भी, यू कैन कंट्रोल योर माइंड। कभी आप लोगों ने ये देखा है कि अगर एक जूनियर जो है वो दो दफ़ा गलती करता है या आगे से बात करता है, या आपका बच्चा घर में बीवी कोई ऐसा, तो बंदे को एकदम से गुस्सा आ जाता है। और ऑफिस में बॉस जो है वो कुत्ते वाली कर देना तब भी गुस्सा नहीं आता, बंदा बर्दाश्त कर देता है। ये सिर्फ सोच और दिमाग की बात है, आप जिस चीज़ को जितना जिस लिहाज से फोकस करोगे वो उसी हिसाब से चलोगे। लाइफ को इंजॉय करना चाहिए। जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, आपको लगे हर चीज़ आपके खिलाफ जा रही है, हर काम में आप फेल हो रहे हैं, कोई सूरत नहीं निकल रही, तकलीफ है, बीमारी है, परेशानी है, व्हाटएवर, कॉन्फ्लिक्ट में, कॉन्फ्लिक्ट लेट इट गो, लीव इट गो, बड़ी से बड़ी चीज़ आप आराम से गुजार सकते। और आप अपने माइंड में उस लम्हे का तसव्वुर करें आंखें बंद करके कि जब एवरीथिंग जो आपकी बेस्ट मोमेंट, अगर